नमस्कार, समय संध्या 7 बाजिबा को जाउछ। दिनर प्रमुख खबर सा प्राइम ओडिसा को स्वागत करुछि मु शक्ति साई मिश्र। बुलेटिन को आकु नवा केतु प्रथमे देखने बा असंतु कोन रहिछि वर्तमान रा हेडलाइंस। प्रथम पर्याय पंचायत वोट पाई सरला प्रचार। 16 तारीख रे मतदान, 11 जिला को गले पोलिंग पार्टी। प्रचार शेष दिन रे भी व्यापक हिंसा, 30 रु अधिक स्थान रे रक्तपात। सहज हला जगा दर्शन, कोहल हला श्रीमंदिर प्रवेश कटकणा। बिना कोविड सर्टिफिकेट रे दर्शन करिपारिबे भक्त। 19 रे श्रीजीव का दर्शन करिबे महामहिम राष्ट्रपति। मंत्री सुरक्षा पर धरा पड़ा सरकारी मिछ। अक्टोबर 15 रे रायपुर एयरपोर्ट रे थिले दिव्यशंकर। मंत्री गस्त सूची रे षड्यंत्र संदेह, गोविंद साहू फेरार पछरे किए उठिला प्रश्न। महंगा डबल मर्डर को नहीं बिलबिले होती मंत्री प्रताप जेना। मर्डर पछरे गुंडागिरी कथा कही पुणी विवाद रे बरसिले विरोधी, कहले सैतान रो वेद पाठ। एतलारे 3 नंबर मुदाला लागिथिला 302 दफा। पुलवामा आक्रमण को पुरिला 3 वर्ष, शहीद का भीतर थिले 2 ओडिया। एबे भी लुह झराउछंती परिवार। सर्जिकल स्ट्राइक रे शत्रु पक्ष को कड़ा जवाब, आतंकी अड्डा ध्वस्त। चोरी उपरे सिना जोरी, चंचकतार सबु सीमा टपी गले सरकारी बाबू। जण को मिली 4टी विजु पक्का घर, गोटे घर उपरे 4-4टी लोगो। हाथ गुंजा दे न पारिबार प्रकृत हिताधिकारी बात। राजवीर टंकारे दलाली, चिकित्सा पाई संगृहित अर्थ उपरे दलाल को आखि। टंका हतेबा पाई बड़ षड्यंत्र, वायरल ऑडियो को नहीं बढ़िला चिंता। चाइना उपर डिजिटल स्ट्राइक, केंद्र सूचना और प्रजुक्ति मंत्रालय पक्षर 54 चाइनीज उपरे कटकणा। भारतीय यूजर्स का डाटा लीक संदेह रे कार्यानुष्ठान। प्रथम पर्याय मतदान पाई शेष होइछि प्रचार। शेष दिन रे भोटर का मन किणवा को प्रयास करिथिले सबु दल। सेपटे शेष दिन में भी राज्यर विभिन्न स्थान में देखा मिली राजनैतिक हिंसार व्यापक चित्र। पंचायत भोट पूर्व 30 रु अधिक स्थान में निर्वाचन हिंसार अभियोग आसीथिबा बेले चर्चा होउछि एबे बेंगल मुहाकी ओडिशा। षोल तारीख रे हेबाक थिबा प्रथम पर्याय मतदान पाई आज शेष होइछि प्रचार। शेष दिन में भोटर मन जुणवा को ग्राउंड में बड़ लगे प्रार्थी और नेता। 36 घंटा पूर्व प्रचार बंद होता बेले लाउडस्पीकर को बारण कर स्थानीय अंचल छाड़ को राजनैतिक दलर नेता और बाहर लोक निर्देश दीजाई। तेरे आज 11 जिला को पोलिंग पार्टी जाता बेले आसंता का 19 जिला को पोलिंग पार्टी जी। 16 तारीख दिन सका 7 गोटाए पर्यंत भोट ग्रहण कर राज्य निर्वाचन कमिशन सचिव। प्रथम पर्यायर निर्वाचन पाई आज 11टा जिलार पोलिंग पार्टी ऑलरेडी तांकर पोलिंग स्टेशन को जाउछंती। जो बाकी 19टा जिला रहला सेतिरे पोलिंग पर्सनल मैंने आसंता काली से बूथ रे पहुंचिबे। 16 तारीख दिन सकाळ 7टा रु दिन गोटाए पर्यंत वोट ग्रहण करा जिवो। सुंदरगढ़, बौद्ध, नरसिंहपुर, काकटपुर, महंगा, नवरंगपुर, केन्दुछर। प्रचार शेष दिन में भी राज्यर विभिन्न जिलार आसिला राजनैतिक हिंसार व्यापक दृश्य। दृश्य नंबर 1, बौद्ध जिला सगड़ा फांडी बेनामुंडा गाँव। 4 नंबर जोन बीजेपी जिला परिषद प्रार्थी राकेश त्रिपाठी स्कॉर्पियो गाड़ी और तांक प्रचार गाड़ी को शासक दलर कर्मी ढेलामाड़ अभियोग। अल्पके प्रार्थी और समर्थक बर्ती जाता बेले एने सगड़ा फांडी होतला। दृश्य नंबर 2, बड़म्बा नरसिंहपुर अंचल काठखुंट गाँव सरपंच प्रार्थी सुशील कुमार मल्लिक घर उपरकु राति अधिया बोमाड़। शासक दलर प्रतिनिधि समेत 3 जन एक धला रंगर कारे आसी बोमामाड़ करिथिबा अभियोग। दृश्य नंबर 3, सुंदरगढ़ जिला बणाई निर्वाचन मंडली गोविंदपुर अंचल समिति सभ्या प्रार्थिनी को मरणातक आक्रमण।
पूर्वरु नामांकन पत्र प्रत्याहार पाई तांकु धमक दि जाइतिबा बेले रविवार राति रे बाइक जोगे तीन जन आसी पछपटु धक्का देइतिबा अभियोग। दृश्य नंबर 4 पुरी जिला काकटपुर अंचल प्रचार समय गोष्ठी संघर्ष जोगु दुई गुरुतर बीजेपी कर्मी को आक्रमण करा जाइतिबा बेले दुई गोष्ठी पक्षरु थाना रे दि जाइछि एतला। दृश्य नंबर 5 महांगा अर्थात मंत्री प्रताप जेनाक निर्वाचन मंडली मंत्री गोष्ठी और दलर अन्य एक गोष्ठी मध्य मारपीट पछपटू पिठी यही पछर जिते मो पिठी पछ अंटा पोजिशन चकाटा रहीगला मुझे कांथर जाइना पिटी होगी मोर यही छाती बाजिगला कांथी आ हाथा बाजिगला आले पड़गले हाथा जितेबाला से मो हाथा पूरा ब्लड हो गला मो गाड़ी की आज्ञा काच फटेक मो बानर हरिका चोरी नुआ साई रू मो बानर सब चोरी करके नहीं जाते आज्ञा का दिन बेले मोर राली करी मो काली रात गोटे 45 रे सोई थी मो घर ऊपर को आज्ञा अतर्कित बोमा माड़ करी फेरार हो गले। प्रथम पर्यायर मोट 30 जिलार 71 ब्लक रे हेबो मतदान जेउतरे 200 जिला परिषद 1669 पंचायत 1669 पंचायत समिति 22,379 वार्ड मेंबर पदवी पाई मतदान करिवे 67,51,000 भोटर। ब्यूरो इनपुट सहित भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन सनातन बेहरा सह दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कोहल है श्रीमंदिर प्रवेश कटकणा बिना कोविड सर्टिफिकेट रे महाप्रभु को दर्शन करेंगे भक्त अधिकांश लोक डबल डोज नहीं सारी निष्पत्ति नि छतीसा निजोग बैठक पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन एने सूचना देखते वर्तमान डबल डोज टीका सर्टिफिकेट देखा प्रवेश करुंट श्रद्धा अनेपटे राष्ट्रपति गस्त को नहीं पुरी में श्रीमंदिर नीति सबकमिटी और छतीसा निजोग बैठक अनुषित होता 19 तारीख में दुईदिनिया गस्तरे आसवे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संध्या 5:00 to 5:45 मध्य श्रीमंदिर दर्शन करेंगे राष्ट्रपति परिवार सह गर्भगृह दर्शन करेंगे एथपाई अपराह 4:00 to 6:00 पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन को बंद रखा जाए। राष्ट्रपति सिंहद्वार गजपति दिव्य सिंहदेव छतीसा निजोग नायक कौलिक पंडा पाछोटी ने गस्त समय सीमित संख्यक सेवायत रहिबे। को भारत महामहिम राष्ट्रपति पूरी आसवे 19 तारीख रे तांकर महाप्रभु श्री जगन्नाथं दर्शन लाभ करिवार प्रोग्राम रही से 5:00 to 5:45 रे श्री मंदिर को आसीबे जो समय रे से आसीबे ता पूर्वरु कौन कौन करा हबो दैन्य नीतिर केमिति चलिबो तापरे बाकी दर्शन व्यवस्था केमिति रहिबो तांको संगे किए रहिबे से व्यवस्था भी आज आम अप्रूव करिचु से गर्भगृह रो जाई तांको परिवार सांगरे महाप्रभु को दर्शन लाभ करेंगे केवल सांगे जी पैतृक पंडा जीवे एवं सिंहासन पर तीन जन रे केवल सिंहार रे जो आवश्यक सुहार बड़ू पत्री बड़ू जी जो मान रहा कथा से मैंने केवल रे मैंने जो मैंने सांगे जो लोक आसर जो से भर काट पाखु दर्शन करेंगे केवल महामहिम एवं परिवारवर्ग जो मैंने आसर को जी दर्शन करके आसवे आसला बेहरण द्वार पाखे पूजा पंडा निजुक स्वस्ति वाचन करेंगे एवं अन्यान्य निजोग जो माने जहाँ दबा कथा जदि किसी उपहार देवे से प्रोटोकॉल अनुसार चेकिंग दिजाव। मंत्री सुरक्षा पर धरा पड़गला सरकारी मिछ अक्टोबर 15 रे रायपुर एयरपोर्ट थिले मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कांग्रेस मुखपात्र मनोज महापात्र आज एयरपोर्ट वीडियो देखा राज्य सरकार और पुलिस विभाग को टाणी काठगड़ा को यापर मंत्री गस्त सूची रे षड्यंत्र होइथिबा संदेह करा जाउछि। ममिता मर्डर मंत्री महाखुलासा मंत्री सुरक्षा पाई सरकारी मिछ तथ्य प्रमाण सह सरकार को घेरिला कांग्रेस अक्टोबर 15 रे रायपुर एयरपोर्ट रे दिव्यशंकर मंत्री गस्त सूची षड्यंत्र संदेह गोविंद साहू फेरार पछरे किए नजर पकांतु एही दृश्य उपरे अक्टोबर 15 तारीख रे रायपुर एयरपोर्ट रे गृहराष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र जींस टी शर्ट सहित ब्याग कांग्रेस मुखपात्र मनोज महापात्र आज एही वीडियो देखाई राज्य सरकार और पुलिस विभाग को टाणी काठगड़ा को
दिवेशंकर रायपुर रु दिल्ली जाइथिले सेठारु 15 तारीख रे चंडीगढ़ रे पहुंचीथिले 18 तारीख रे चंडीगढ़ रु दिल्ली एवं रायपुर आसिले मंत्री सरकार केवल 8 9 10 ओ 11 तारीख रो गस्त तालिका देथिले तापर 20 तारीख ये होची तार प्रमाण रायपुर रे मंत्री को सह गोविंद साहू थिबार अभिजोग करिछि कांग्रेस 8 तारीख रे ममिता निखोज होइथिले कांग्रेस अभिजोग करिछि 11-14 तारीख पर्यंत मंत्री सह एकाठी थिले गोविंद साहू 18 रे मंत्री फेरिले 19 रे गोविंद आखु कियारी रु धरा हला जहाँ नहीं उठी प्रश्न बीजेपी भी ए प्रसंग रे सरकार को टार्गेट करछि ममिता मर्डर रे मंत्री संप्रुक्ति नहीं आनी अभियोग ये होची से फोटो दिव्यशंकर मिश्रंकर रायपुर एयरपोर्ट रो फोटो 8, 9, 10, 11 मात्र चारोटी डेट रो देले आउ रेस्ट देले नि जे सेति पई हमें प्रूफ देखैलु से रायपुर थिले एवं रायपुर तांको सहित थिले ए महाशय गोविंद साहू ही रायपुर तांको सहित थिले ये होची प्रमाण हमें बारंबार कहितलु से सेतबेले मना करूथिले जे ना गोविंद साहू मो सहित नथिले ममिता मिहिर रो मृत्यु रो गोटे दिन परे एतबे तांको बापा बयान देथिले जे मो झियो को कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र मारिछंती तो से दिन सारा ओडिशा जानिथिला प्रूव हेइथिला जे शासक दल जो नेता मानक विरुद्ध रे खोद परिवार जो विक्टिम रा परिवार लोक जो एक्विजिशन आणुछंती ताहा को सरकार केबे हेले दुखे करू नाहंती पदरा पड़ जाइछि सरकार को गोटिए परे गोटिए मिछ बस को सुरक्षा रे पुलिस गोटिए परे गोटिए षडयंत्र रा होइछि खुलासा षडयंत्र नंबर 1 सरकारी मिछ अक्टोबर 11 रु 20 पर्यंत मंत्री को गस्त सूची को काहेकि चापिले सरकार ए सबु दिन केउठारे थिले दिव्यशंकर काहेकि तथ्य देले नाही सरकार षडयंत्र नंबर 2 गोविंद फेरार पछर रहस्य केमिति टिटलागढ़ थानारु फेरार हला गोविंद साहू 53 वर्षर जणे लोक थानारु चंपट मारिला केमिति ठीक सेतिकी बेले पावर कट हला केमिति 4 दिनर आतिथ्यर रहस्य कण गोविंद को केउठी रखा जाइतिला गोविंद फेरार नहीं काहेकि चुप उत्तरांचल डीआईजी और बलांगीर एसपी षडयंत्र नंबर 3 सेक्स स्कैंडल उपरे परदा ममिता बापा आनीथिले सांघातिक अभियोग कहते शारीरिक संपर्क रखा कलेज को जाऊ मंत्री दिव्यशंकर मिश्र स्थानीय लोके ओ कलेज छात्र भी आनी जौन केलेंकारीर सांघातिक अभियोग हेले किए करुछि यार तदंत काहीकि हेला नाही तदंत बस पोल खोली जिवार भय कि षडयंत्र नंबर 4 दुष्कर्म अभियोग घोड़ोनी ममिता परिवार लोके अभियोग करिथिले ममिता दुष्कर्म परे हत्या करा जायछि हेले ए दिगरे काहीकि तदंत कला नाही पुलिस उत्तरांचल डीआईजी रखिबे कि उत्तर मंत्री हाथ निश्चय थाइ पारे काहीकि से झो कहे आगरु जे कॉलेज को मंत्री आसंती को मंत्री आसंती केते बेले आसा होम मिनिस्टर ता आसंती आउ मासे दि मास थरे आसंती षडयंत्र नंबर 5 रायपुर रहस्य विरोधी अभियोग कले रायपुर रे ममिता को डाकी गोविंद सहित मध्यस्थी साजिथिले दिव्यशंकर रायपुर रहस्य को नहीं काहीं की चुप पुलिस गृहराष्ट्र मंत्री को सुरक्षा रे दीपक कुमार एंड टीम आउता भितरे तदंत बाटबणा ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज केते बेले कौन कहउछंती मंत्री प्रताप जना भांगा डबल मर्डर घटना रे बिलबिले हेउछंती मंत्री डबल मर्डर पछरे गुंडागिरी कथा कही एबे विवाद को आसीछंती प्रताप जना आउ प्रताप जनांक एही केइ पद कथा सैतान रो वेद पाठ बोली कहिछंती विरोधी मंत्री नारे एतलारे 13 नंबर अभियुक्त आउ दफा लगी थिला 302 जे जमती कर्म करिवो से सेमती फल पाइबो जे गुंडागिरी करिवो से गुंडांगो द्वारा मरिवो महंगा डबल मर्डर घटना रे अड़ुआ रे मंत्री प्रताप जना सत कहिले फाटुची कि मंत्री छाती
आउ काहीकि बिबिले हेउछंती राज्य सरकारकर पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर। सत देखाइले काहीकि मंत्रीकु हेउछि कष्ट। महंगा डबल मर्डर घटना रे गंभीरा भितरे रही गणमाध्यम को एड़ाई जाउथुबा मंत्री प्रताप जेना कई पद कथा एबे राजनीति रे झड़ सृष्टि करछि। जे जेमती कर्म करिवो से सेमती फल पाइबो, जे गुंडागिरी करिवो से गुंडांक द्वारा मरिवो। प्रताप को एक कथा राज्य राजनीति रे बड़ किंतु सृष्टि करछि। एतला रे 13 नंबर अभियुक्त थिबा मंत्री प्रताप जेनाक विरोध रे लागिथिला दफा 302। ओडिया रे गोटे कथा अछि लुचिछि ना गोड़ दीटा दिसुछि। मंत्री प्रताप जेना कथा को नहीं एवं विभिन्न महल में उठी प्रश्न। ये जो कथा नहीं सैतान मुहर बेदपाठ है, सैतान करुछी की बेदपाठ। मंत्री निजे कहउछंती जे गुंडागिरी करिवो से गुंडागिरी रे जीवो, जे गुंडागिरी करिवो से गुंडांक द्वारा मरिवो। तेबे जे गुंडा माने हत्या करिछंती तांको पछरे प्रताप जेना अछंती की, एहा को नहीं विरोधी उठाइछंती प्रश्न। आउ थरे सुनंतु महंगा डबल मर्डर घटना को नहीं कौन कहउछंती मंत्री प्रताप जेना। जे जेमती कर्म करिवो से सेमती फल पाइबो, जे गुंडागिरी करिवो से गुंडांक द्वारा मरिवो। महंगा डबल मर्डर घटना रे विवाद रे अछंती मंत्री प्रताप जेना, आ विवाद रे अछंती खोद तांको पीए बापी विश्वास, आ विवाद रे अछंती महंगा ब्लॉक चेयरमैन शरत नायक। एपरिकि बापी और शरत डबल मर्डर मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वास सह बारंबार कथा होइथिबार प्रमाण मध्य मिलिछि। एपरिकि डबल मर्डर रो मुख्य अभियुक्त कहा जाउथुवा प्रफुल्ल विश्वास को मृतदेह मध्य मंत्री का परिवार रो मालिकाना रे थिबा दुशासन जनास्त्र कैड निकट रु मिलिथिला। आउ एई घटना को नै मंत्री को उपरे बर्षिछंती विरोधी। स्पष्ट भाव रे महांगा ट्रिपल मर्डर रे मंत्री प्रताप जेनांकर संपृक्ति एटा ओडिशावासी देखिछंती। अपराधी मानक संगे तांका फोटो पुणी एफआईआर रे भी 13 नंबर मुदाला से ही थिले। प्रथम जे अभियुक्त ताकू तांका घर सामने रे ट्रक चढ़ाई की मारी दिया गला। आउ ए पूरा घटना प्रधानमंत्री आवास योजना रो दुर्नीति जितले भारतीय जनता पार्टी उठेथिला ता सेही कथा को दबे दबा पाई कि कुलमणि बराल दिव्य सिंह बराल को हत्या करा गला। कॉल रेकॉर्ड मागी मागी पुलिस देला नाही। जेएमएफसी कोर्ट मध्य पुलिस तदंत को भर्सना करथिले एवं कॉल रेकॉर्ड प्रस्तुत करिबा पई कि निर्देश देथिले। सब कथा लोकंक आगे रहिछि, कोर्ट सामना रे भी उपस्थापना करा होछि। एबे बाहरी कि एते दिन नीरव रहिला परे आमे देखिछु से दिन जेतेबेले से मीडिया आगे किछि कहउ नथिले, बूम को अड़ाई कि पळौथिले। तेणु बोधे कौटि ना कौटि भावुवे सब तथ्य प्रमाण नष्ट कर सारी एवं बाहरी कि मुह खोली पारे बोली से साहस कहते कथा आया गोटे कथा नहीं चोर मचाए सोर ओडिया अच्छी चोर मुह टाण प्रताप जेना उद्देश्य ढगटा कहूना मुझे उदाहरण दूचे ये जे महांगा डबल मर्डर केस्रे ना एफआईआर अच्छी पुलिस बारंबार कहीं कॉल डिटेल्स दौना ना चार्जसीट दाखल कराऊना ये बाबद निजे अदालत रे विचारपति बारंबार पुलिस को गाली दे सबकि जल जल कर रही आज्ञा तापर सी जी कह मुहर तो आम बाड़बत्ता देवुना कि लुचिचिना गोड़ दुष्ट आस लोक जाणी ये कथा ना सैतान मुहर बेदपाठ है भाई नशुभु अंतत पक्षे बहु जगह कहा जाए ना निरवरता अनेक समय काम दिए राजनीति में तेणु सी जे भावुन जे मुझे जोर पार्टी करी तो निर्दोष रही। 2021 मसीहा जनवरी 2 तारीख अशांत होता महंगा और महंगारे गढ़ी बीजेपी नेता कुलमणि बराण और दिव्य सिंह बराण मुंड आवास दुर्नीति नहीं मुह खोल हत्या कर अभिवाद को आसी राज्य सरकार पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर तथा महंगा विधायक प्रताप जेना आंटी कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल परिवार पक्षर थाना दायर होता मामला। एतलार 13 नंबर अभियुक्त रही खोद मंत्री प्रताप जेना और विरोध में लगी दफा 302 हेले परवर्त समय ना चार्जसीट्रु काटि वर्षित होता महंगा पुलिस प्रफुल्ल गाड़ी और हेलमेट सुरक्षित थी बेले मिल ना मोबाइल सिम कार्ड
ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଲା। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲେ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖବର ଆଗକୁ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଭା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ରହ। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଲା 3 ବର୍ଷ, ଶହୀଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ଦେଶ। 2019ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 40 ଯବାନ, ଶହୀଦଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ବି ଥିଲେ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। पुलवामा हमला को पुरिला 3 वर्ष, शहीद को मने पकाउची सारा देश। हेले बदली शत्रु को जवाब देवार नजरिया। 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक रहेला पुनरावृत्ति, पड़ोसी शत्रु भितरे सृष्टि होई भय आउ सहिबनी भारत। 2019 मसीहा फेब्रुआरी 14 तारीख देश को थराई देथिला एही दिन। ଏହି ଦିନ ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରଚିଥିଲେ ବର୍ବରତା, ସେହି ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଘଟଣାକୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଲିଭିନି ଅତୀତର ସେହି କଳାଦାଗ। ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆଖିରୁ ଶୁଖିନି ଲୁହ। ପୁଲୱାମା ରାଜପଥ ଉପରେ CRPF ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏଥିରେ 40 ଜଣ CRPF ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶହୀଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଯବାନ, ଜଗତସିଂହପୁର ନୂଆଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଓ କଟକ ନିଆଳିର ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା। ସେତିକି ଗର୍ବିତ ଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ଆମର ଯାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଜଣ ତ ଭାରତବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଟକୁ କିଏ ଦୂର କରିବେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। 2016ରେ ହୋଇଥିବା ଉରୀ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କରିଥିଲେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ପଶି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା, ନେଇଥିଲେ ପୁଲୱାମା ଆଟାକର ବଦଲା। ମୈଁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନଙ୍କୁ ଔର ଉନକେ ସରପରସ୍ତଙ୍କୁ କହିନା ଚାହତା ହୁଁ କି ୱେ ବହୁତ ବଡ଼ି ଗଲତି କର ଚୁକେ ହୈଁ, ବହୁତ ବଡ଼ି କିମତ ଉନକୋ ଚୁକାନି ପଡ଼େଗି। ମୈଁ ଦେଶକୁ ଭରୋସା ଦେତା ହୁଁ कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सही वीर जवान को मने पकाई आज श्रद्धांजलि अर्पण करुची सारा देश। सेमानको स्मृति को मने पकाई अनेक कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଖାଇବୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ 4-4 ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ କେମିତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଘର ଗୋଟିଏ, କାନ୍ଥ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ 4-4 ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋକ। ଚୋରି ତ ଚୋରି, ଚୋରି ଉପରେ ସିନା ଜୋରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଚଞ୍ଚକତାର ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। PC ପାଇଁ ପ୍ରିୟାପିତ୍ର ସବୁ ସରହଦକୁ ପାର କରିଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚୁଆ ବାବୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ନାବରା ଗାଁର। କାନ୍ଥରେ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ଲେଖା ହୋଇ ଲାଗିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋଗୋ। ହେଲେ ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ,
ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପକ୍କା ଘରରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେମିତି ଚାରିଟି ହାତେଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଚାରି ଚାରିଟି ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାରି ଚାରିଟି ଆବାସ ଘର ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର କରିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ପିସି ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏକଥାକୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନାବରା ଗାଁର ସାଗର ହୋ। ଚାରିଟି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହାତେଇଥିବା ସାଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୁଜି ନେତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଅସ୍ତିଆ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବୁଧୁରାମ, ରବି, କରୁଣା ଓ କମଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ହୋଇଛି। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ଘର ତ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି, ଏତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଉଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନି। ବିଡ଼ିଏ ପାଖ ଯାଉଛି କି ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, କୌଣସି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତ କାର ଘର ମିଳୁଛି, ଆମର ପାଖରେ ମିଳୁନି। ଆଜିକି 80 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ରହିଛି, ଏଇ ଚାଳ ଘର ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ରହିକି ଅଛି। ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ଲେଖା କରାଇଲେ, କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲି, 5-6 ଥର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଯାକି ମିଳିନି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେବର ଖଟୁଛୁ, ହେଲା, ବେକାରିଆ ଅଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଆଉ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ। ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଫେର ଆହୁରି ଡବଲ ଡବଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର ଏ ମଣିଷର ଆସୁନି, ଥରେ ବି ଆସୁନି। ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଆସିବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁନି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପକ୍କା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହେଲେ ଏମିତି ବି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁର ଜଣେ ବି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ହେଲେ ଆବାସ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ ଥିବା 35 ପରିବାର କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ପକ୍କା ଛାତଟିଏ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁରର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ପକ୍କା ଘର ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଆବାସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଗର ସରପଞ୍ଚ ଘର ଦେଇଥିଲା 25 ଘର, 25 ଘରରେ କେତେ 35 ଘର ହେଇଛୁ ଆମେ। ଆମର ବାସ ନାହିଁ ଏଇ କୋଡ଼ି କିଏ ଅନଉନ୍ନତି, ଆମର ଗୋଟେ ପାଇପୁ, ଆମର ଘର ଦୁଆର ଭଗା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିବ। 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି କିଛି କରାହେଉନି। ଏ ଭଗା ଦଦରା ଘରରେ ଆମର ଯେମିତି 20 ପିଲା ପାଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ସେଇଠି ଆମର କିଏ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଘର ଦରକାର, ଆଉ ସାଇ ରୋଡ଼ ଦରକାର, ନଦୀ ୱାଲ୍ ଦରକାର, ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଇପ୍ ବି ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବାରୁ ଗରିବଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ, ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ କପ୍ତିପଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚୀନ ଉପରେ ପୁଣି ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 54 ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ଲିକ୍ ସନ୍ଦେହରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଇନା ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 54 ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ପୁଣି ଚାଇନାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ଝଟକା। 54 ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ କଟକଣା, କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦର୍ଶାଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଟ୍ ସେଲ୍ଫି HD, ବିୟୁଟି କ୍ୟାମେରା ଆପ୍, ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଲାଇଟ୍, ଆପ୍ ଲକ୍, କ୍ୟାମ୍ କାର୍ଡ, ଭାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟର୍, ଇକ୍ୱାଲାଇଜର୍ ଏବଂ ବାସ୍ ବୁଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ, ଆଲିବାବା ଏବଂ ଗେମିଂ ଫାର୍ମ ପରି ବୃହତ ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 54 ନିଷିଦ୍ଧ ଆପ୍ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆପ୍ ଚାଇନାର ଜଏଣ୍ଟସ୍, ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ, ଆଲିବାବା ଏବଂ ନେଟ୍ ଏଜ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ଆପ୍ 2020ରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ରିବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଅବା ରିକ୍ରିଷ୍ଟେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ଥିଲା। 29 ଜୁନ୍ 2020ରେ ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଭାରତ ସରକାର ଟିକ୍ଟକ୍, ସେୟାର୍ ଇଟ୍, ୱିଚାଟ୍, ହେଲୋ, ଲାଇକ୍, ୟୁସି ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଗୋ ଲାଇଫ୍, ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍, ଇଏସ୍ ଫାଇଲ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଏବଂ ମି କମ୍ୟୁନିଟି ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 69 ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଥାକ୍ରମେ 47, ପରେ 118 ଏବଂ 43 ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧିନିୟମର ଧାରା 69A ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ।
ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय प्राइम ओडिशा आज खबर को ये रखा नमस्कार।